प्रदेश के जनपद बलरामपुर में रिश्वत मांगने वालों पर शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित ने जिलाधिकारी बलरामपुर से लेकर उच्च अधिकारियों से की शिकायत, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में रुपयों की मांग करने वाले असलहा बाबू पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में असलहा बाबू के पद पर तैनात मोतीलाल द्वारा रिश्वत मांगी गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने बलरामपुर अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी सहित अन्य उच्च अधिकारियों से की, लेकिन काफी दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर काफी दिनों तक पैसा मांगने वालों की शिकायत करने के बाद नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीड़ित ने जिलाधिकारी बलरामपुर से लेकर उच्च अधिकारियों से की शिकायत, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में रुपयों की मांग करने वाले सलाह बाबू पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन बीते 24 घंटे पहले डीडी टुडे न्यूज के संवाददाता की खबरों का असर जनपद बलरामपुर में देखने को मिला। 24 घंटे के अंदर शुरू हुई जांच बलरामपुर के अपर जिलाधिकारी द्वारा मांगा गया देखने का, आखिर घूसखोर अधिकारियों व बाबू पर कब तक नहीं होती है कोई कार्रवाई। बलरामपुर से शिवांशु शुक्ला की रिपोर्ट।